नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बेरमो अनुमंडल अंतर्गत बेरमो के बेरमो विधायक जय मंगल सिंह उर्फ अनुप सिंह के आवासीय कार्यालय में दिनांक 24/5/2024 शुक्रवार को जनजन के नेता और मजदूर मसीहा बेरमो से 6 बार विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की चौथी पुण्यतिथि बेरमो कोयलांचल में जगह जगह मनाई गई। पुण्यतिथि के अवसर पर बेरमो के ढोरे स्टाफ क्वार्टर स्थित विधायक आवासीय कार्यालय पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पूर्व विधायक ममता देवी, श्वेता सिंह आदि पहुंचे और स्वर्गीय सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राजेश ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र बाबू मेरे पिता तुल्य थे। कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र बाबू विराट व्यक्तित्व के धनी, राजनीति क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखने वाले, श्रमिक क्षेत्र के एक मजबूत स्तंभ, मजदूर और गरीबों के मसीहा थे। स्वर्गीय सिंह के बड़े पुत्र बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह उर्फ अनुप सिंह, छोटे पुत्र कुमार गौरव सिंह, उनकी धर्मपत्नी रानी सिंह, धनबाद संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी अनुपमा सिंह, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के निर्दलीय सांसद प्रत्याशी डॉक्टर उषा सिंह सहित उनकी बहुएं, पोता पोती के अलावा उनके शुभचिंतकों और समर्थकों ने पंक्ति बंद होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके पहले असंगठित इंटक अमलो कार्यालय राष्ट्रीय कुलियरी मजदूर यूनियन के 5 नंबर स्थित कार्यालय में स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। यहां उपस्थित सैकड़ों लोगों ने पुष्प अर्पित कर अपने प्रिय नेता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही मजदूरों की सेवा करने का संकल्प लिया गया। यहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के अधूरे सपने को बेरमो विधायक के साथ मिलकर पूरा करने का संकल्प लिया। तो आइए सुनते हैं धनबाद संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने क्या कुछ कहा। मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप घर से निकले और वोट जरूर करें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। इस अधिकार का इस्तेमाल करें, इसी अधिकार से आप विकास अपने घर, अपने क्षेत्र में, अपने पूरे धनबाद लोकसभा में आपके हाथ में है, आप ला सकते हैं। तो मैं आपसे ये अपील करती हूँ कि आप ज़रूर निकलें, वोट करें और एक बार अपनी बेटी पर विश्वास करें और अपनी बेटी को 1 नंबर बटन दबाकर आज शाम पर वोट करके अनुपमा सिंह को विजयी बनाएं। वी टाइम न्यूज़ के लिए बोकारो बेरमो से अनिल वर्णवाल की रिपोर्ट।